अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है। मम्मी नाश्ता बना रही थी और बस हम लोग नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए थे, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि सालन बना लेते हैं। तो सालन हमने कोई अलग से नहीं बनाया था, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ था। थोड़ा सा कौरमे का मसाला बनाना था, सिर्फ मसाला उसमें बिल्कुल नहीं था, सिर्फ बोटियाँ वगैरह रह गई थी और बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हमने सोचा कि अभी शाम के लिए यही कर लेते हैं। तो इसमें मैंने मसाला बना के डालना था, तो मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल के, इसकी मैं कोई स्पेसिफ़िक रेसिपी नहीं दे रही, लेकिन मैंने इसके अंदर शॉर्ट्स वगैरह दिखा दिए हैं। तो इसके साथ में मैंने कोरमे का मसाला डाल दिया था इसके साथ ही, और चिकन को इसमें थोड़ा सा भून कर, साथ में मैंने जो प्याज ब्राउन की थी उसके अंदर दही मिला के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, ताकि ये अच्छा सा एक मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पहले से ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है कोरमा, अगर हम अलग से मसाला बनाकर डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो बस यहाँ पर ये कोरमा वगैरह रेडी हो चुका था और शाम का टाइम होने वाला था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है हमें शादी पर जाना था। और ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, ये व्लॉग मैंने पहले सोचा था डालने के लिए, लेकिन फिर उस टाइम मैं डाल नहीं सकी थी, टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी। सो बस नेक्स्ट डे जो है मेरा पार्सल आ गया था, मैंने एक वीडियो ऑर्डर किया था कुछ दराज से, तो ये दराज से जो है मेरा पार्सल आ चुका था और यहाँ पे जो है मम्मी इसको अनबॉक्स कर रही हैं। और ये जो भी चीज़ मैंने मंगवाई है वो अभी आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी थी मुझे, और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे वीडियो बनाने में। सो मैंने इसका ट्राईपॉड ऑर्डर किया था यहाँ से, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बेस्ट है। जितने इसके प्राइस थे उस हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि मैंने कभी भी ट्राईपॉड बाय नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राईपॉड लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था। बट जितना इसके प्राइस थे उस हिसाब से ये बहुत बेस्ट क्वालिटी थी। सो यहाँ पर ये मैंने बस ले लिया था, और फिर शाम का टाइम होने वाला था, यहाँ हमें शादी पर जाना था। सो मम्मी ने सबके कपड़े जो है प्रेस कर दिए थे यहाँ पर, और ये मम्मी के और बरीरा मिराल सबके कपड़े जो हैं प्रेस हुए हुए हैं, ये सब मम्मी ने ही किए थे। और ये फ्रॉक्स वगैरह भी वो प्रेस करती हैं, क्योंकि इस पर भी नेट जो है वो शेल आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमें प्रेस करने पड़ते हैं। सो मम्मी बेचारी बहुत थक गई थी, उनकी चोट तो वैसे ही लगी हुई थी पहले से ही, लेकिन खैर वो ये चीज़ों से कहती हैं कि मैं खुद ही करूँ, कभी हम लोग ख़राब ना कर दें, जला ना दें, तो इसलिए ये सब बस मम्मी ने कर लिया था। और ये पापा वगैरह के सबके कपड़े जो हैं रेडी हो चुके थे, और यहाँ पर जो है इसके मैंने सारी चीज़ें भी निकाल कर रख ली थी, अंजिश की सॉक्स और शूज़ वगैरह सब रख लिए थे, क्लिप बरीरा के सॉक्स, ये सारी चीज़ें भी मैंने बाहर निकाली थी, क्योंकि एंड टाइम पर फिर चीज़ें ढूंढना पड़ती हैं और मिलती नहीं है बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे, और बरीरा और मिराल जो है बहुत खेल रही थी मज़े से, और अंजिश भी मामू के पास ही रहती है, ये भी बहुत ज़्यादा खुश थी शादी पर, वरना ऐसी फ्रॉक्स वगैरह पहन कर रहती नहीं है। और यहाँ पर जो है खाना वगैरह भी खुल गया था, तो हम लोगों ने जितनी खाने की चीज़ें थी उस टाइम पर तो ले ली थी, लेकिन हमने सारी चीज़ें नहीं लाए थे, क्योंकि फिर वेस्ट होती हैं, फिर जब ख़त्म हो रहा था तो हम दूसरे आइटम्स लेकर आ रहे थे। सो यहाँ पर ये सब बैठे हुए थे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आ गए थे बस अपने लिए। और फिर वापसी का टाइम हो गया था, और यहाँ पर हम लोग गाड़ी पर बैठ गए हैं आकर, और यहाँ पर जो है फुल आवाज़ में जो है काफ़ी सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, लेकिन मैं इसको ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसलिए मैंने उसको ऑफ़ कर दी थी उसकी वॉइस। और बस फिर हम लोग घर आ गए थे यहाँ से, बरीरा और सब लोग जो है खूब मस्तियाँ कर रहे थे। और नेक्स्ट डे जो है बरीरा को बर्गर खाना था, वो कह रही थी मम्मा बर्गर दें, तो मैंने यहाँ से, ये मेरे एक कज़न है वो लोग गए हुए थे वहाँ पर महाराजा, तो वहाँ से उसने मुझे बर्गर ला के दिया था, और ये बहुत ही टेस्टी बर्गर था, ये मेल्टेड चीज़ इसके ऊपर जो है वो उन्होंने डाली हुई थी, लेकिन वो आते आते खैर वो हो गई थी बिल्कुल, मेल्ट नहीं रही थी, थोड़ी सी जो है जम गई थी, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बर्गर था, और ये इतना मज़ेदार बर्गर था। आई थिंक इसके प्राइस 700 to 800 थे, बट ये बर्गर बहुत टेस्टी था। सो अगर आप लोग लेना चाहें तो ज़रूर वहाँ पर जाके खाएं, और इसकी काफ़ी सारी और भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो चलिए जी, वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।